भोपाल के कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में आने वाले मकान को तोड़ने के लिए एनजीटी ने जो आदेश दिए हैं उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक ओर जहां इस दायरे में आने वाले निवासियों को अपने आशियाने की चिंता सताने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार आश्वस्त करेगी किसी भी कॉलोनी और बस्ती को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए विधि सम्मत तरीके से रास्ता निकाला जाएगा। कांग्रेस में सवाल उठाए हैं कि जब घोषणा कर चुके हैं कि कोलार रोड पर किसी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, तो फिर अपनी घोषणाओं के अनुरूप उन्होंने कोलार के रहवासियों के मकान बचाने के लिए 8 सालों तक कोई विधि सम्मत नीति क्यों नहीं बनाई? कहीं ना कहीं इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी और स्थानीय विधायक जिम्मेदार हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अविनाश बुंदेला, प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री के साथ कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि सरकारी विष और गंभीरता से ध्यान नहीं देगी तो कांग्रेस कोलार के रहवासियों के हक में लड़ाई लड़ेगी। ये भाजपा का दोहरा चरित्र किस तरह से आता है और चुनावी लाभ के रूप में ये किसी भी तरह से जनता से किस स्तर हद तक ये झूठ बोल सकते हैं, उसकी वानगी मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। और उस वानगी में सबसे पहली चीज़ ये है कि एनजीटी में एक केस चल रहा था और ये कलियासोत वाले मामले को लेके केस चल रहा था, तो 20/8/2014 को उसमें एक फैसला आया कि ये जो इसमें 33 मीटर दायरे के अंदर इसमें जो निर्माण है उनको सीमांकन के रूप में लिया जाए कि उसमें कौन से अतिक्रमण है कौन से नहीं, उनको चिन्हित किया जाए। उसके बाद सारे के सारे निवासी जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी के पास एक वाहन रैली के रूप में गए और वाहन रैली के रूप में गए तो शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको एक आश्वासन दिया कि आपके ना मकान टूटेंगे ना आपकी दुकान टूटेगी और आपके मकान दुकान टूटने के लिए जो भी विधि सम्मत रास्ता होगा